इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वोग मैगजीन कवर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इसका कवर पेज ले लिया, देखिए। उसके बाद हम इसमें डायमेंशन चेक करेंगे कि डायमेंशन कहाँ से हम देख सकें। तो ये देखिए डायमेंशन वोग मैगजीन कवर का 8.75 और 11.25 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ है। और यहाँ पे देखिए क्रिएट कर दिया बॉक्स, इसको हम डायमेंशन देंगे हाइट और विड्थ फैक्टर को। इसके हाइट भी हम कम कर देंगे, देखिए हाइट कम कर दी। उसके बाद इसे स्केल अप कर दीजिए तो हाइट का इसके जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होंगे, ये केवल व्यू पोर्ट में थोड़ा सा बड़ा सा होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको हाइट पर कर लीजिए और ये हम इसके कॉर्नर वाले एजेस ले रहे हैं, ये चैम्पर करेंगे थोड़ा सा राउंडनेस लाने के लिए। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अकॉर्डिंग साइज, इतना सही रहेगा। और इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब हमें अंदर के पेजेस के लिए जो एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। ये हमने पेजेस सेलेक्ट कर लिए और इनको डिटैच कर देंगे। ये हमने डिटैच कर दिए, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें पता लगे कि अलग पार्ट हो चुका हो। और ये देखिए बाहर का पार्ट। अब इसको हम टेक्सचर दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेटल स्लॉट में जाते हैं, मेटल एडिटर लिया और यहाँ से हम बेरी मेटल बनाएंगे इसको। तो ये कि इस वाले पार्ट पे हमें बेरी मेटल लगाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेरी टूल से बेरी मेटल स्लॉट ढूंढेंगे। ये देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है, बेरी मेटल में हो चुका है। यहाँ से मैं इसका कलर डिफ्यूज को अवॉइड कर देता हूँ और इसको इस वाले पे असाइन कर देता हूँ, देखिए इस टाइप। अब आपने यही चीज़ सेकंड के लिए भी कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो बिट मैप लगाना है मुझे वोग का, जो मैगजीन कवर का फ्रंट पेज है वो अप्लाई करना है इस पर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बिट मैप लूँगा, थोड़ा सा समझना है। ये मैंने बिट मैप लिया इसमें से, देखिए बिट मैप है। अब यहाँ ये पाथ दे देगा आपको, तो डेस्कटॉप पे पाथ है मेरे पास। तो ये वाला कवर पेज लगाना चाह रहा हूँ मैं फ्रंट में, ठीक है, वोग मैगजीन का। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पॉलीकॉन ले लूँगा फ्रंट वाला, ये वाला पूरा, और इस पर असाइन कर दूँगा। देखिए असाइन किया, इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ले लूँगा क्योंकि थोड़ा सा हल्का फोकस में रिफ्लेक्शन होता है। और ये ब्लशन इसको हम 0.99 के आसपास कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पर दिखाऊँगा कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन वैल्यू बढ़ाऊँगा। तो आप चेक करते रहना कि आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, देखिए इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा कम कर दूँगा, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसको अप्लाई कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है। अब हम ये वीडियो मैप करेंगे कि इनकेस अगर थोड़ा बहुत ये स्ट्रेस हो रहा है तो उसको हम सेटल करेंगे। तो लगभग ये फिट बैठ गया है। अब बैक साइड का कवर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बैक साइड के लिए इस वाले डाउनर पॉलीगॉन पे ये चीज़ सेलेक्ट किया और इसी मेटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस मेटल के यहाँ पे बिट मैप चेंज कर दूँगा, इसमें से ये वाला है और इसको असाइन कर दूँगा और यहाँ रिनेम कर दूँगा इस मेटल स्लॉट को, ताकि बैक के लिए दूसरा बन जाए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का हो गया, ओके। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारे पास पेजेस बनाने हैं मुझे, तो पेजेस लगने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक मेथड होता है हमारे पास, क्योंकि इधर राउंडनेस आ गया है और इधर स्ट्रेट जा रहे हैं, तो हम इसमें रिंग तो डाल नहीं सकते, तो इसमें स्लाइस का यूज़ करेंगे। तो देखिए प्लेन स्लाइस लिया और ये जहाँ पर रखोगे आप, जहाँ जहाँ पर ड्रैग करोगे उतने पे स्लाइस करते जाना। ये पूरे पार्ट पे क्या कर देगा, एज कनेक्ट कर देगा, देखिए, ठीक है। ये हमने कनेक्ट करवा दिए हैं,
जहाँ पे गैपिंग ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे ड्रैग करके लेके जाइए और इस टाइप से देखिए। अब आपने क्या करना है, इनका सिलेक्शन बनाना है जो आपने कनेक्ट दिए थे, इनका सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद क्या करूँगा, इस पूरे को आप लूप कर दोगे ताकि चारों डायरेक्शन में लूपिंग में चले जाएँ, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे लूप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सट्रूड, ये सारे के सारे एक्सट्रूड करने चाहिए। इसलिए एक्सट्रूड कर रहा हूँ कि उसमें बीच में गैपिंग आ जाएगी तो उससे लगेगा कि यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं, मतलब पेज के बीच में जो डेप्थ दिखता है थोड़ा सा, उस चीज़ को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू भर रहा हूँ अकॉर्डिंगली कि कितना इसके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पे ये आउटर की तरफ आ रहा है, ये इनर की तरफ कर दिया। देखिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, अब इसको ओके कर दीजिए। अब इसको आप अगर इधर इस साइड से देखना आपको ये दिख जाएगा, कलर कर दिया हमने इसमें। देखिए ये पेजेस बन गए इसके, देखिए इस साइड से आप शो हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये बाहर का कवर पेज है इसमें थोड़ा सा थिकनेस लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इस साइड पे थिकनेस चाहिए, तो मैं इसको सेल डालूँगा। सेल का अमाउंट अपने हिसाब से सूटेबल जितना लगेगा उतना रख दूँगा। और देखिए ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का सा और होना चाहिए इतना, ठीक है। अब आप इसको एडिट पॉली करना चाहो या कोलैप्स टू ऑल करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेस प्लेन तैयार करेंगे। पहले हम इसको ये सिलेक्ट किया, ये हम कोलैप्स टू यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस तरीके से शो कराएंगे इसको, तो ये दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए कि किस चीज़ पे मैं इसको शो करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लेन ले लिया, ठीक है। प्लेन को मैं एडजस्ट करूँगा कि किस तरीके से शो, ये दिखिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस टाइप कर दिया, और ये इन दोनों को एक साथ दे गया, थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर दिया। और ये जो बेस बनाया हुआ मैंने, ये कुछ टेबल टाइप का मैं इसे क्रिएट करूँगा, ठीक है। इसमें थिकनेस दी समथिंग, देखिए ऐसे एडिट कर ली, मॉडिफाई कर देंगे, कोलैप्स टू यस कर दिया, और यहाँ पे एडिट कॉली कर दिए इसे। अब इसके सेगमेंट हम इस तरीके से रखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके का इसके लेग्स इससे निकल पाए, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पॉलीगन मोड पर गया, सारे के सारे पॉलीगन सेलेक्ट किए, बेस की डिसलेक्ट कर दी, और ये आउटर है तो यहाँ ऊपर के डिसलेक्ट कर दी। ये देखिए अब ये कुछ इसमें बेस तक हम इसको लेके जाएंगे, और ये कुछ इस टाइप का बन गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसका थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैंने नीचे ड्रैग किया और ये इस टाइप से बन गया, ओके। अब इसमें चैम्पर मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, कि किस टाइप का स्मूथिंग लुक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट पार्ट आ रहा है इसका, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इनको हम चेक करेंगे कि कहाँ पे सूटेबल रहेगा, और यहाँ पे मेटल स्लॉट लिया, यहाँ से मैं बेरियम मेटल लाइब्रेरी पे गया, और यहाँ से मैं एक कोड वाला कोई सब टेक्सचर पिक कर लेता हूँ, समथिंग वुड के अलावा कोई मुझे और देखना है कि प्लास्टिक में नहीं, कोई सूटेबल नहीं लग रहा, तो इसको वुड वाला ही हम इसके लिए चूज़ करेंगे। तो लेट्स सी, एक बार हम वुड वाले पे देखते हैं, ये ब्लैक वाला ये मुझे ठीक लग रहा है, तो इसको हम एक मेटल स्लॉट पे साइन करेंगे। देखो ये मेटल स्लॉट लिया, इसको राइट क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए ये हाँ आ गया। अब इसको आप ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दीजिए और असाइन कर दीजिए। देखिए असाइन करने क्लिक ऑन, ये देखिए इस पर असाइन हो गया, कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, यू डब्ल्यू मैप अपने हिसाब से कौन सा सूटेबल रहेगा,
ठीक है, और इसको हम हिसाब से चेक करेंगे कि किस तरीके की मैपिंग हो रही है। देखिए अब यहाँ पे कुछ टाइलिंग ऐसे आ रही है रिपीट हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए कुछ स्टेप आ गया, इसको बटावर करके कुछ स्टेप से ये कर दिया, और यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ जिससे कि सूटेबल लगे। तो रोटेशन देखिए ई हो रही है, देखिए मैं कुछ स्टेप का कर देता हूँ इसमें, ठीक है इस टाइप का। यहाँ पे इसकी कॉपी ले लूँगा मैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक इसकी कॉपी ली है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से प्लेस करता हूँ, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको प्लेस कर दिया, अभी देखिए टेबल पे ये दिख रहे हैं। अब इसको हम किस तरीके से शो कराएंगे ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि कहाँ से हम प्रॉपर इसको शो करा सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि देखिए यहाँ पे एक कॉस्मो ब्राउज़र है, कॉस्मो ब्राउज़र से मैंने SDRI लाइट ले ली, ये मैंने यहाँ लग गया। और यहाँ से मैंने एक डेकोरेशन वाली पॉट ले ली इसके साथ लगाने के लिए। अब मैं इनको अरेंज करूँगा, देखिए ठीक है। और इसका एक रेंडर मैं अभी आपको शो कराऊँगा कि किस तरीके से आपको दिखेगा। ये मैंने प्लेस कर दिया, यहाँ पे आप एक रेंडर शो कराता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का डायरेक्शन कर रहा है आपको, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा टॉप वाली व्यू से देखना चाहेंगे कुछ इस टाइप का कैसे शो हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। इसका भी एक थोड़ा सा मैंने रोटेट करके इधर लगा दिया, ये देखिए ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, इसका एक रेंडर दिखा है। यहाँ से सेटिंग हम कर सकते हैं, बट सेटिंग्स कुछ नहीं करने, फिलहाल इसका एक जस्ट आप एक रेंडर शो कर लीजिए, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इसका जो SDRI लगाया है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ताकि आपको प्रॉपर लगे, या फिर कैमरा एंगल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने SDRI लगाया था, मैं इसका डायमेंशन चेंज करूँगा। उससे पहले मैं टेबल का टेक्सचर चेंज कर रहा हूँ, टेबल का टेक्सचर ही चेंज किया, टाइलिंग कम कर दी और इसको गिज़्मो मोड से स्केल डाउन कर दिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पे है इसका कैमरा एंगल घुमा दूंगा मैं, तो तब कैसे इस जगह से आपको कैसे दिखेगा आउटपुट। लगभग ये मेरा फाइनल आउटपुट होने वाला है, मैं यहाँ से आपको शो कराऊंगा। देखिए कुछ इसमें हाफ पार्ट पे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।